15 minutes yoga for weight loss. Namaste everyone, welcome to our channel Virendra Strength Yoga. My name is Virendra Kumar. So जैसा कि आप लोग सुन चुके हैं, आज का जो वीडियो है देयर इज गोइंग टू बी फॉर वेट लॉस. हम आपका वजन कम करवाने वाले हैं. अब वजन कम करने के लिए देखिए, ये मार्केट में ना बहुत बड़ा इसका बिजनेस होता है वजन कम करवाने का. लोग बहुत बहुत पैसे खर्च कर देते हैं फिर भी वजन कम नहीं होता है. तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. जैसा मैं बता रहा हूँ इस सीक्वेंस को आप फॉलो करिए एक महीने लगातार. ये 15 मिनट का सीक्वेंस मैं आपको दे रहा हूँ, एक महीने आप फॉलो करेंगे. और कुछ खाने की चीज़ें, जैसे आप प्रोसेस्ड फूड ना खाएं, बहुत ज़्यादा नुकसान देता है. प्रोसेस्ड फूड खाते हैं तो आपके डाइजेशन को कमज़ोर कर देता है और कॉन्स्टिपेशन की शिकायत भी रहने लगती है और वेट लॉस नहीं होता है. दूसरी चीज़, अब आपने जैसे प्रोसेस्ड चीज़ें छोड़ दी, दूसरी चीज़ क्या होता है, कुछ लोग डब्बाबंद चीज़ों पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं. जैसे नमकीन हुआ, बिस्किट्स हुए, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं. नमकीन बिस्किट्स, आप ये यकीन मानिए, एक छोटा सा जो 5 रुपये का एक नमकीन का पैकेट आता है ना, उसमें 250 कैलोरीज होती हैं. और 250 कैलोरीज बर्न करने के लिए आपको 1 घंटे योग क्लास करनी होती है. तो इतना खतरनाक होता है. तो उन सभी चीज़ों को आप ना कहें और ये योग सीक्वेंस फॉलो करें, ठीक है. एक महीने में रिजल्ट्स देखिए. और मैं, जैसा आप लोगों को पता है, हम अपनी वीडियो में सब स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है. वीडियो चलाइए और स्टार्ट कर दीजिए. तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, अपनी वीडियो शुरू करते हैं. उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, जिन लोगों ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक बेल आइकन होता है उसको भी दबा दीजिए भैया. हाँ, इन फ्यूचर जब हम वीडियो पोस्ट करते हैं आपको मिल जाए. एंड और वीडियो को शेयर कर दिया करें लोगों के साथ, दैट गिव्स अस मोटिवेशन एज वेल, सो दैट हम इन फ्यूचर भी आपके लिए और इसी तरह की वीडियोस लाते रहें, ठीक है. तो चलिए आसन करके दिखाते हैं. आसन करके दिखाने के लिए हमारे साथ हैं पूजा जी. पूजा जी आ जाइए, हम आसन करेंगे अब. तो आसन की सीरीज शुरू कर लीजिए. सबसे पहले आप क्या करेंगे, मैट के एक कॉर्नर पे आ जाइए. अब आप आसन शुरू कर रहे हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही करते रहिए, साथ साथ करते रहिए. कमर गर्दन सीधी एकदम, जब खड़े हों एकदम सीधी, एक कंधे एकदम नीचे, टाइट बॉडी. दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में लगाइए, सांस भर के दोनों हाथ ऊपर उठाइए, पीछे जाइए बैक बेंडिंग में जितना आराम से पीछे जा सकते हैं और ऊपर देखिए. यहाँ पे रुकना है, थोड़ी देर रुकना है, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे जाइए. दोनों हाथ नीचे, घुटने मोड़िए, स्पाइन स्ट्रेट, सामने देखिए. यस, इस तरह से यहाँ पे रुकना है कुछ समय. कुछ समय रुके रहें, डीप ब्रीदिंग करते रहें. किसी भी आसन में आपको अपनी सांसें तब तक होल्ड नहीं करनी जब तक मैं ना बोलूं. अब यहीं से चेयर पोज, दोनों हाथ ऊपर उठा लीजिए. हाँ, पाम फेसिंग ईच अदर, इस तरह से सामने देखिए. होल्ड फॉर 5, डीप ब्रीदिंग करते रहें, चेहरे पे मुस्कुराहट बना के रखिए, स्माइल रखिए. 4, 3, 2, 1, दोनों हाथ नीचे, सांस भर के राइट लेग बैक, इनहेलिंग थी राइट लेग बैक. यस, थोड़ा सा नीचे, सामने देखिए, सांस छोड़ते हुए दोनों पैर पीछे. हाँ, शोल्डर रेस्ट इन लाइन, पेट अंदर करिए, कंधे थोड़े आगे करिए. यस, इस तरह से शोल्डर रेस्ट इन लाइन. इसी जगह पे 5 काउंट तक रुकना है. 5, 4, 3, 2, 1, टेक योर नीज डाउन, चेस्ट एंड चिन डाउन, इनहेलिंग कोबरा पोज, भुजंगासन. सांस भरते हुए थोड़ा बॉडी को आगे स्लाइड करिए और अपर बॉडी ऊपर ले आइए, भुजंगासन. यस, यहीं पे रुकना है. लंबी गहरी सांस, थोड़ा सा ऊपर देखिए, स्ट्रेच योर थ्रॉट. देखिए आसन को सही तरीके से करना भी बहुत ज़रूरी होता है. सो टोस पॉइंटेड आउट, पैरों में 1 फिट का गैप बना सकते हो, अच्छा रहता है. स्क्वीज योर हिप्स, पेल्विक जमीन को प्रेस करते हुए कंधे एकदम नीचे, एल्बो मुड़ी हुई, ठीक है. इनहेल अप, एक्सहेल डाउन. 1, नीचे जाइए सांस छोड़ते हुए. इनहेल अप, एक्सहेल डाउन. अप, 3, अप, 4, अप, 5, अप, 6, अप, 7, अप, 8, अप, 9, अप एंड होल्ड.
अब देखिए इसमें कोई भी एल्बो सीधी नहीं करेंगे, एल्बो को यहाँ से बैंड रखिए और यहाँ देखिएगा आपके हाथों पे जो एक्स्ट्रा फैट आ जाता है ना वो भी कम होने लगता है, यहाँ दर्द होगा जरा करके देखिए 10 बार, आपको लग रहा होगा इजी पूजा जी कितनी इजीली कर रही है, पर आप जब करेंगे ना तो आप रुक नहीं पाएंगे। क्यों पूजा जी, थोड़ा फील हो रहा है हाथों पे आपके यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे आपको दर्द होने लगता है। ठीक है, अब यहीं से सांस छोड़ते हुए माउंटेन पोज में जाइए, ठीक है, पर्वतासन में जाइए, दोनों एड़ियों को जमीन से लगाने की कोशिश करें, थोड़ा सा पैरों में गैप बना सकते हो जिन लोगों को एड़ी जमीन से नहीं लगती है, इस तरह, और कंधों पे खिंचाव लाएं इस तरह से, दोनों हाथ सीधे रखिए एकदम स्ट्रेट इस तरह से, और यहाँ रुकना है थोड़ी देर, डीप ब्रीदिंग करते रहें, लंबी गहरी सांस लेते रहें छोड़ते रहें, पोज आसन में रुकिए थोड़ी देर, है ना। अब यहाँ से अपना राइट लेग ऊपर उठाइए, दायां पैर ऊपर उठाएं और दाएं हाथ के बाहर ले आइए, राइट लेग इस तरह ऊपर देखिए, लुक अप, सांस भर के यहाँ आ गया है, सांस छोड़ के ये पैर पीछे, ये पैर पीछे ले जाओ पर्वतासन, फिर सांस भर के दूसरा पैर आगे, हाँ ऊपर देखिए, सांस छोड़ के पीछे, कीप चेंजिंग, इनहेल राइट लेग, एक्सहेल पीछे, इनहेल ऊपर देखिए, एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल ऊपर देखिए, एक्सहेल, साथ साथ करिए, मेरे साथ साथ करना है आपको, इनहेल एक्सहेल, और रुकना नहीं है, थोड़ा सा वेट लॉस करना है तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों को, है ना, ऐसा नहीं है सिर्फ देखने से हो जाएगा, आप पूजा जी को देख देख के पतले नहीं हो सकते, आपको पूजा जी के साथ साथ करना पड़ेगा, है ना, जो मैं बोल रहा हूँ वो करना पड़ेगा। तो कुछ लोग देखते हैं कि बस देख देख के खुश होते रहते हैं, इधर की वीडियो देख ली, फिर दूसरी वीडियो देखी, ये वाली वीडियो अच्छी है, करते रहे, है ना, कुछ समय इस तरह से लेग चेंज करते रहें, उसके बाद दोनों पैर पीछे ले जाइए, आप घुटने नीचे लगाइए और रैबिट पोज में चले जाइए, दोनों पंजे बाहर खोलिए और हिप्स को हील से लगाइए इस तरह से, दोनों हाथ आगे खींच के रखिएगा, स्पाइन स्ट्रेट रखो थोड़ी, सामने देखिए, हाँ इस तरह से, यहाँ पे 30 सेकंड रुक जाइए, देखिए मैं इतना अत्याचारी भी नहीं हूँ, आपको रेस्ट भी कराता हूँ बीच बीच में, 30-30 सेकंड का आप रेस्ट करेंगे तो आपको ऐसा लगता है जैसे आप स्वर्ग में आ गए हैं जब ये 30 सेकंड का रेस्ट करते हैं, ठीक है जी। तो 30 सेकंड का रेस्ट किया, फिर से तैयार हो जाइए, ऊपर आ जाइए, चलिए ऊपर बैठिए, पीछे ऐसे ही दोनों पैर आगे खोल लीजिए, ठीक है जी। अब यहीं से हमें जाना है नौकासन, ये कितना बढ़िया आसन है नौकासन, चलिए जी दोनों पैर ऊपर उठाइए, ऊपर उठाइए हवा में दोनों पैर, दोनों हाथ ऊपर, यस, लिफ्ट योर बोथ लेग्स अप, इस तरह से आइए और रुकिए, फेस ऊपर रखिए, थोड़ा बॉडी पीछे करिए, यस यहीं पे रुकना है, होल्ड फॉर 5, 4, 3, 2 and 1, पीछे लेट जाइए यहीं से, अब अपने दोनों हाथ अपने हिप्स के नीचे लगा लीजिए, ठीक है, और दोनों पैरों को ऊपर उठा लीजिए 90 डिग्री एंगल पे, इस तरह यहाँ पे उठाइए, एकदम टो पॉइंटेड आप खींच के रखिएगा, जितना मैं काउंट करता हूँ नौकासन के बाद, है ना, धीरे धीरे नीचे, धीरे धीरे, कंट्रोल फ्रॉम योर एब्डोमेन, पेट पे पूरा कंट्रोल करना है, एक बार फिर से सांस भर के दोनों पैर ऊपर लाइए और रुकिए यहाँ पे थोड़ी देर, होल्ड फॉर 10, 9, मेरे काउंट तक रुकिए, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, स्लोली डाउन, मैट पे थोड़ा नीचे हो जाइए, मैट से आप बाहर निकल रहे हैं ना, थोड़ा और नीचे हो जाइए इसी तरह से, अभी हम 2 बार कर चुके हैं, बस यहीं पे लेट जाइए, अब फिर से दोनों हाथ रखिए, इसको हमें 5 बार करना है, 5 times वी हैव टू रिपीट इट, सो इनहेलिंग लिफ्ट योर बोथ लेग्स अप वंस अगेन, लिफ्ट योर बोथ लेग्स अप एंड होल्ड, होल्ड देयर, होल्ड फॉर 10, 9, पेट को टाइट रखिए एकदम, वेरी गुड, 8, 7, पंजे खींच कर रखिए, 6, 5, 4, 3, 2, 1, स्लोली डाउन, पेट की ना आते बाहर आने लगती है, एक बार करके देखिएगा, थोड़ी देर इतनी देर होल्ड करने में आप देख रहे होंगे पैर थोड़े से शिवर कर रहे हैं, तो वो उनकी गलती नहीं है, बॉडी साथ देना छोड़ देती है, पर बॉडी को जब तक आप चैलेंज नहीं करेंगे तो वो जो एक्स्ट्रा फैट, एक्सेस फैट जमा हुआ है वो कैसे बर्न होगा, तो उसको बर्न करने के लिए हमें थोड़ा सा पोजेस में होल्ड करना होता है, ठीक है ना। चलिए एक बार फिर से आप होल्ड फॉर 10, 9, 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Relax, deep inhale and exhale. अब इसके बाद हम करेंगे हाफ बोट. हाफ बोट के लिए क्या करना है, दोनों हाथ नीचे निकाल लीजिए, दोनों पैरों को मोड़िए, थोड़ा सा घुटने मोड़िए. अब दोनों हाथ पैर सीधे कर लीजिए और कंधे ऊपर, यहां पे रुकना है. 5, 4, 3, 2. पेट पे पूरा ध्यान एंड 1. रिलैक्स. ये देखिए जितनी देर हो सकता है हाफ बोट आप होल्ड करिएगा, जितनी देर आप कर सकते हैं, क्योंकि हाफ बोट होल्ड करने में बड़ी मुश्किल आती है. ये पूरा पेट पे सारा प्रेशर आने लगता है. एक बार फिर से जरा करेंगे हम यहां से. यस, थोड़े से कंधे ऊपर उठाइए, पैर खींच के रखिए, पेट पे पूरा ध्यान. होल्ड फॉर 5, 4, 3, 2, and 1. स्लोली डाउन. अब यहां से अपने दोनों हाथ दोनों साइड खोल लीजिए, घुटनों को पैरों से मोड़िए इस तरह. अब अपना राइट एंकल लेफ्ट थाई पे रखना है इस तरह, ठीक है जी. अब अपने राइट नी को लेफ्ट हैंड से पकड़िए, लेफ्ट हैंड से पकड़िए और लेफ्ट साइड नीचे गिरा दीजिए, जितना गिरा सकते हैं ये ऐसे. एंड फेस टू योर राइट साइड, चेहरा आपको अपने राइट साइड रखना है इस तरह. थोड़ी देर रुकिए. होल्ड फॉर 5, 4, 3, 2, 1. इनहेल. आप धीरे से ऊपर आइए. अब दूसरा पैर रखिए. ये तो रख लिया था अभी आपने, ये वाला पैर रखना है. उस हाथ से पकड़िए और नीचे गिराइए और रुकिए थोड़ी देर. स्पाइन को जितना हो सकता है उतना ट्विस्ट देना है. स्पाइन को जितनी देर तक आप ट्विस्ट कर सकते हैं ट्विस्ट करिए. होल्ड फॉर 5, 4, 3, 2, 1. रिलीज. तो अभी आप देखेंगे कि आपका पूरा स्पाइन रिलैक्स हो गया. अब आपको कुछ समय के लिए रेस्ट करना है. 30 सेकंड के लिए आप रेस्ट करेंगे. अब 30 सेकंड रेस्ट करने के बाद आपको, क्योंकि हम वेट लॉस कर रहे हैं, आप दोनों हाथ अपने हिप्स के नीचे लगाइए और दोनों पैर अप डाउन करना है जल्दी जल्दी. चलिए सांस. इनहेल एक्सहेल. इनहेल पूरा ऊपर लाइए, एक्सहेल नीचे. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 20 टाइम तो कम से कम करना ही है. 7, 8, 9, 10, 11, 12. पैर सीधे रखिए. शाबाश, कोई बात नहीं. चलिए नीचे तक जाओ. 13, शाबाश, ऊपर आइए पैर सीधे करके. 14, बहुत अच्छे. चलिए 15, बहुत बढ़िया. 16, बहुत अच्छे, चलते रहिए. 17, गुड. 18, बहुत अच्छे. 19, डाउन, ऊपर लाइए, बहुत बढ़िया. देखिए कैसे पता लगने लगता है, घुटने मुड़ने लगते हैं, पूरी बॉडी आपकी शिविर करने लगती है, कंपन होने लगता है, जैसे वाइब्रेशन होती है ना शरीर में उस तरह से. पर आप देखिएगा, आपका माइंड जो है ना, माइंड दिमाग, वो पहले गिव अप कर देता है. बॉडी में ताकत होती है तो कंट्रोल योर माइंड. उसके बाद आप घुटने मोड़िए इस तरह. इनहेल अंदर, एक्सहेल बाहर. पंजे अपनी तरफ खींच कर रखिए. इनहेल एक्सहेल. चलिए 1, 2, 3, 4, 5. पैर सीधे करिए. 6, यस. 7, 8, 9, and 10. रिलैक्स. दोनों पैर नीचे. लंबी गहरी सांस लेते रहें. कुछ समय रिलैक्स करिए, कुछ समय रिलैक्स करिए. अब उसके बाद आपको क्या करना है, ये दो अभ्यास हमने कर लिए हैं, लेग अप डाउन इन आउट. इसको 3-3 बार आपको रिपीट करना है, ठीक है. 20-20 अप डाउन और 10 इन आउट. अब अगर आप इसको 20 से 30 कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर कैपेसिटी, जैसे आप इसको 30 बार कर सकते, 30 टाइम अप डाउन कर सकते हैं, 30 टाइम करिए और इन आउट 20 या 30 टाइम जितना चाह सकते हैं उतना कर लीजिए. अब इसको 3-3 बार आपको रिपीट करना है इस सेट को. रुक रुक के एक सेट किया पूरा, रिलैक्स किया 30 सेकंड, फिर दूसरा सेट किया, फिर रिलैक्स किया 30 सेकंड, फिर तीसरा सेट किया, फिर रिलैक्स किया 30 सेकंड. उसके बाद अपना लेफ्ट साइड करवट लीजिए. उस साइड करवट लेके ऊपर बैठ जाइए. थोड़ा सा बटरफ्लाई कर लीजिए. बटरफ्लाई करिए
इस तरह कमर गर्दन सीधी रखिए, बटरफ्लाई करते रहें। यस, बटरफ्लाई कुछ समय किया आपने, उसके बाद नेक्स्ट अभ्यास अभी हमें करना है। दोनों पैरों को खोल लीजिए, राइट लेफ्ट राइट टो टच करना है, ठीक है। एक्सहेल करके यहाँ पीछे वाले हाथ को देखना है, ऊपर रखना है। वन, यस सॉरी, हाँ टू, कीप चेंजिंग, थ्री टो तक जाओ, फोर फाइव सिक्स, चलते रहें जल्दी जल्दी, सेवन एट, पीछे देखिए, नाइन एंड टेन। अब यहीं से दोनों हाथ आगे रखिए और थोड़ा बॉडी को आगे पीछे स्विंग करना है। वन टू थ्री फोर फाइव, और आगे जाके रुक जाइए, फिर जितना आगे जा सकते हैं रुक जाइए, एकदम टोस पॉइंटेड आप। इसमें आप रुक जाइए कुछ समय, आप धीरे धीरे पीछे आइए, आपके घुटनों के अंदर दर्द हो रहा होगा है ना, उसको पकड़िए, ऊपर उठाइए, पैरों को ऊपर उठा लीजिए और कस के पकड़ के रुक जाइए यहीं पे, इस तरह से रुक जाना है, ठीक है। और उसके बाद फिर अपने दोनों हाथ पीछे रखिए, आर्च बनाइए बैक में, ज़मीन पे रखिए और बटरफ्लाई करिए, आर्च बना के ऊपर, पूरा आर्च बनाइए, फेस ऊपर करिए, आर्च बनाइए, जॉइन योर शोल्डर ब्लेड्स, आर्च बना के बैठ जाना है, बटरफ्लाई करते रहना है। तो ये सीक्वेंस हुआ। अगर आपको थोड़ी सी जैसे और एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो इसी सेट को दोबारा रिपीट कर लीजिए और एक महीने तक आप करके देखिए, आपका वेट निश्चित रूप से कम होगा, निश्चित रूप से बोला है मैंने, ठीक है। और उसके साथ साथ आप खाने पर ध्यान दीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक ये हमारे साथ ही अभ्यास किया, कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा। अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स को शेयर करिए और कमेंट भी करते रहें, जिससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि लोग हमारे साथ जुड़ के इन अभ्यास को कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं नीचे कमेंट में बता दीजिएगा, हम उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलेंगे अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।